हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 27 सितंबर थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ, रीजनिंग के। सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक शिफ्ट का एनालिसिस मिलता रहे, जितनी भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करता हूं वो भी आप तक पहुंच सके, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और आशा करता हूँ कि आप एक लाइक तो जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय यानी कि किस भारतीय महिला क्रिकेट में 6000 रन बनाए हैं? तो ये मिथाली राज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका, सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री? तो पवन चामलिंग राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और रिपीट भी हो सकता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे इनके बारे में थोड़ी बातें और जान लेते हैं। ये सिक्किम के मुख्यमंत्री है, ये भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि किस पार्टी से आते हैं, ठीक है। तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी का नाम है ये इस पार्टी से आते हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, सबसे हल्की गैस? तो सबसे हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन होती है। अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है तो आपको हीलियम लगाना है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको हाइड्रोजन आंसर लगाना है, ठीक है। रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? आपका के सिवान राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, रॉकेट मैन के सिवान है, और मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। तो इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? सलीम अली को। ये भी आपका क्वेश्चन आज पूछा गया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, रिपीट हो सकता है। ऑस्कर अवार्ड किस मूवी को मिला? मूनलाइट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खाद्य मंत्री कौन है? राम विलास पासवान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और विदेश मंत्री भी यहाँ पे पूछा गया था, तो सभी को पता है, सुषमा स्वराज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, फोर्थ ग्रुप में पहली गैस कौन सी होती है? तो क्रिप्टोन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी कहाँ है? ये आपका आगरा जिले में है और उत्तर प्रदेश में, तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, 2016 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मूवी को मिला है? तो ये भी आपको पता होगा, बाहुबली मूवी को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आपका, कांस्य यानी कि ब्रोंज किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर प्लस टीन राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। पीरियोडिक टेबल से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपका यहाँ पे एक था कि कौन सी मेट्रो सिटी में तैरता हुआ बाजार बनाया गया? ये आपका कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है, ठीक है भाई। एक था आपका स्पोर्ट डे से, मतलब कि स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे देखिए, सेंट्रल मिनिस्टर बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, और इवन आपका सेकंड शिफ्ट में तो 3-4 क्वेश्चन थे, और थर्ड शिफ्ट में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार जरूर देख के जाएगा, जिनका कल और आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका 18 जून 1858 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एक पहली बार पूछा जा रहा है तो आगे भी रिपीट हो सकता है। नीति आयोग से आपके कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और आज भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको भी जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट आपका, ग्रैमी अवार्ड किस देश में दिया जाता है? ये आपका अमेरिका में दिया जाता है, ठीक है, म्यूजिक के लिए, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करें आपकी रीजनिंग की, देखिए सारे टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। कहाँ से आपको PDF डाउनलोड करनी है वो सब कुछ बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो आप पूरी वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पे मिरर इमेज से क्वेश्चन था, देखिए एक मिरर इमेज से क्वेश्चन फिक्स हो रखा है और बहुत ही सिंपल है, इसको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा गया था कि स्पेस की मिरर इमेज क्या बनेगी, तो स्पेस की मिरर इमेज आप सभी बना देंगे ना, ठीक है। ई आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। सी आपका उल्टा यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया जाएगा, यानी कि आपको हर एक शिफ्ट में बता रहा हूँ कि मिरर के पास जो अक्षर होगा वही आपको मिरर के पास रखना है, और जो जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन मिरर के पास में रखनी है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, देख लेना भाई, ठीक है। एक काउंटिंग फिगर से भी आपका लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपका थर्ड शिफ्ट में कुछ ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें बताने थे आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, 1, 2, 3, 4 यानी कि काउंट करिए और उसके 2 में मल्टीप्लाई करिए तो 8 हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी को आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो उसको जान लीजिए। इसमें 8 होगा, किस तरीके से निकला, 1, 2, 3, 4 और 4 की मल्टीप्लाई 2 में, तो इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, तो इसमें भी 8 है, तो कितना हो गया, 8 की 3 में करेंगे
तो 8 या 24 तो ये हो गए। अब मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि जितने भी आपके जुड़ते चले जाएंगे यहाँ पे, ये जो पॉइंट बढ़ते हुए जा रहे हैं ये पॉइंट आपको ऐड करने हैं, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए, ये भी आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल में ही काउंट होंगे। इसका रीज़न ये है कि जैसे ये बन गया और ये वाला बन गया, ठीक है, फिर ये बन गया और ये वाला बन गया, तो 4 ये वाले काउंट होंगे, तो इसमें इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो ये 4 ये वाले काउंट हो गए तो कितने हो गए, 28, तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट क्यों काउंट किए ये भी मैंने बता दिया ना रीज़न आपको, ये वाला और ये वाला, ठीक है, दो ये हो गए। और फिर इसी तरीके से आपको एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ये वाला, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक था कोडिंग डिकोडिंग से, कैपिटल को अगर यहाँ पे CPATILA लिखा जाता है तो आपका पर्संस को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे कैसे लिखना है भाई इसको। देखिए कैपिटल के ऊपर आपने 1 2 3 4 5 6 7 डाल लिया, ठीक है। अब जो कोड यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है ना, कोई कोड वैसे नहीं बन रहा है इसका, तो यहाँ पे देखिए सी को पहले नंबर पे रख दिया गया, ठीक है। पी यानी कि जो तीसरे नंबर पे था उसको दूसरे पे रख दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे पे थे जो वो तीसरे पे रख दिया गया है। तो इसी तरीके से कोड क्या बन गया यहाँ पे, 1 3 2 5 4 7 6, यानी कि हमने इनके ऊपर नंबर डाले थे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे जो कोड निकल के आ रहा है इसका 1 3 2 5 4 7 6। तो आपको कुछ भी ना तो कंफ्यूज होना है ना कुछ करना है, पर्सन के लिए भी आप 1 2 3 4 5 6 7 डालिए, और फिर जो कोड ऊपर लिखा गया है उसी कोड को नीचे लिख दीजिए, बिल्कुल 1 3 2 5 4 7 6 इस तरीके से लिखने के बाद में, तो जो नंबर आपका जहां पे दिया गया, यानी कि आपका पहले पे पी है तो लिख दीजिए, यहाँ पे 3 है तो 3 पे देखिए आर है तो आर लिख दीजिए, फिर यहाँ पे आपका 2 है तो 2 पे क्या है ई है तो ई लिख दीजिए, 5 आपका क्या है देखिए 5 पे ओ है तो ओ लिख दीजिए। कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब इस तरीके से करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। 4 पे ऐसे है तो ऐसे लिख दीजिए, 7 पे आपका ऐसे है तो वो भी ऐसे लिख दीजिए, 6 पे आपका एन है तो उसको भी आप एन लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर आगे एग्जाम में आता है तो आप इसको जरूर बना के आइएगा। एक यहाँ पे था आपका वेन डायग्राम से, ठीक है। वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन और भी था, बट ये क्वेश्चन एक बच्चे ने बताया, बट दूसरे वाला मेरी कुछ समझ में नहीं आया किस किस तरीके से उसने बताया था, तो ये वाला देख लेते हैं। बाघ हाथी और जानवर, देखिए दोनों के दोनों ही जानवर है, तो इस सीधा सिंपल सा ये आपका बाघ और हाथी का मतलब इस तरीके से वेन डायग्राम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक था आपका देखिए यहाँ पे सिलोगिज्म से एक क्वेश्चन था आपका कि सभी मोबाइल चिप है और सभी चिप इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा सा सभी वाला कंडीशन बना लेंगे, सभी के सभी मोबाइल आपके चिप हो जाएंगे और सभी के सभी चिप आपकी इलेक्ट्रिक हो जाएगी, तो इस तरीके से कुछ दिया हुआ था। तो उसने ऑप्शन में बताया था कि आपके जो निष्कर्ष निकल रहे थे वो क्या थे, सभी इलेक्ट्रिक चिप है, तो सभी के सभी इलेक्ट्रिक तो चिप नहीं हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक आपका सबसे बाहर वाला डायग्राम है, और इस ये सभी के सभी इलेक्ट्रिक चिप कब हो सकते हैं, जब चिप इलेक्ट्रिक का जो यानी कि चिप वाला वेन डायग्राम आपका इलेक्ट्रिक के ऊपर को आ जाएगा, यानी कि जो चिप वाला ये अंदर है ना ये बाहर होता तब ये वाली कंडीशन हो सकती, तो ये वाले तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका कुछ मोबाइल इलेक्ट्रिक है, तो कुछ मोबाइल इलेक्ट्रिक हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मोबाइल इसके अंदर है और इलेक्ट्रिक के अंदर चिप है और चिप के अंदर मोबाइल है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मोबाइल तो इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। तो एक ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और जितने बच्चे भी एग्जाम देखे हैं तो प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में बताया करें कि यही क्वेश्चन थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे फेक क्वेश्चन कराए जाते हैं, जबकि मैं उनको बताता थक चुका हूँ, बट जो क्वेश्चन जो बच्चे एग्जाम देखे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें कि हाँ ये क्वेश्चन आए थे और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्म में मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो बट आप थोड़ा समझा करें कि क्वेश्चन रियल है। नेक्स्ट है आपका कुछ मंत्री अध्यापक हैं और सभी अध्यापक विद्वान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कुछ मंत्री हैं अध्यापक हैं, तो ये वाला आपका सबसे पहले एक वेन डायग्राम बन जाएगा, मंत्री और फिर उसका कुछ कट करेंगे आप तो कुछ अध्यापक हो जाएंगे। फिर यहाँ पे बोला कि सभी के सभी अध्यापक जो है वो विद्वान हैं, तो इस तरीके से आपका एक वेन डायग्राम ये बन जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ मंत्री विद्वान है, तो कुछ मंत्री तो विद्वान हो जाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे मंत्री और विद्वान एक दूसरे को कट कर रहा है यहाँ पे वेन डायग्राम, तो ये तो राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला सभी विद्वान अध्यापक है, तो सभी विद्वान आपका अध्यापक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये अध्यापक वाला जो वेन डायग्राम है ये विद्वान के अंदर है, अगर ये इसके बाहर को होता तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती थी, बट अभी नहीं है तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, तो ये पहले वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और देखिए मैथ के भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं कराने वाला हूँ, तो देखते रहिए वीडियो को अगर आप अभी यहाँ तक देख चुके हैं। यहाँ पे था 720 840 और यहाँ पे था 660 एनालॉजी से मतलब क्वेश्चन था आपका, और ये बताना था आपको नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या चल रहा है, 120 मल्टीप्लाई 6, 120 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, 10 मल्टीप्लाई 6, तो नेक्स्ट भी आपका क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे आपने देखा 120 की मल्टीप्लाई 6 में हुई, 120 की 7 में हुई, तो ये आपका ये बनता है। सबसे पहले मैं आपका 10 की मल्टीप्लाई 6 में, तो नेक्स्ट आपके 10 की मल्टीप्लाई 7 में। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था आपका, ये राइट आंसर आपका 70 आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए मैथ पे आ जाते हैं, मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो पता चले हैं वो देख लेते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड का क्वेश्चन, और थर्ड शिफ्ट में ही आया था, आज दोनों शिफ्ट में नहीं आए, कल भी थर्ड शिफ्ट में था और आज भी थर्ड शिफ्ट में है। तो जिनका थर्ड शिफ्ट में है, एवरेज निकालना एक बार सीख लीजिए, कैसे निकालना है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लीजिए, और मान लीजिए कोई कार थी या जो भी था इसको कवर कर रहा है कार, मान लीजिए एक आदमी कार से जा रहा है और वो 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में पार करता है, और फिर नेक्स्ट 18 मीटर की दूरी 6 सेकंड में पार करता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी, औसत एवरेज स्पीड कितनी होगी उसकी, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 16 प्लस 18, तो दोनों को प्लस करिए कितना हो जाएगा ये 34, और टोटल टाइम कितना है आपका 4 और 6 10 सेकंड, यानी कि आपका बिल्कुल ठीक है, ओके, इजी क्वेश्चन है। 34 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आपका 3.4 मीटर पर सेकंड राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यही क्वेश्चन था, कोई भी चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो यही पूछा गया था कि 2601 का स्क्वायर रूट बताइए, तो मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट में आपको सबसे पहले दो का पेयर बनाइए, और जो बचे हुए हैं, दो बचे से तीन बचे से चार बचे, उनका एक अलग पेयर बनाइए। डेली एक क्वेश्चन आ रहा है, सीख लीजिए एक बार, अगर किसी से नहीं आता निकालना तो बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो आपने दो का पेयर बनाना है, इसमें ये जो सेकंड नंबर वाला होता है इसको काट दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपका। जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा ये आपको चेक करना है किस किस के स्क्वायर में आता है। तो ये आपका खुद के एक वन के स्क्वायर में आता है, एक नाइन के, नाइन का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है, तो ये वन आ गया ना इसके लास्ट में, तो ये नाइन के और वन के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ तक तो आपने कर लिया, इतना काम तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है जो 26 लिखा है ना, इससे छोटा स्क्वायर होना चाहिए किसी का भी, मतलब जो भी इससे छोटा स्क्वायर होगा वो लेना है आपको। तो यहाँ पे अगर 6 का स्क्वायर करते तो बड़ा ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 26 से छोटा है, तो आपका आधा आंसर आ चुका है, क्या है 5 आपने लिख लिया। अब आपको चेक करना है इसके बाद में क्या लिखना है, हमेशा ये जो फर्स्ट आंसर होगा ना, ये इससे छोटा जिसका भी स्क्वायर होगा वो लिखना है, और बाद में ये इन दोनों में से कौन सा लिखना है ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है। यहाँ पे अगर ये 25 इसके पास है, मतलब कि जो छोटे वाले स्क्वायर के पास में ये वाली संख्या है, तो आपको छोटे वाली वैल्यू, अगर ये वाली संख्या यानी कि बड़े वाले स्क्वायर वाले की संख्या इसके पास है तो आपकी बड़े वाली वैल्यू। तो यहाँ पे 25 के ज़्यादा पास है 26, तो आपका छोटे वाली वैल्यू आएगी, तो 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि x का 18% 36 हो, तो वैल्यू ऑफ x बताइए, x की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, ये शायद यहाँ पे 36 की जगह कुछ और था, उस बच्चे ने करेक्ट नहीं बताया है, मतलब ये तो यही था बट 36 की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट फॉर्म में क्वेश्चन नहीं मिल पाया, कुछ और भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे 34 कुछ और भी हो सकता है, तो इसमें ये मत करिएगा कि ये बिल्कुल क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू आपको कैसे निकालेंगे, अगर 18% निकालना पड़े 18/100 करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 36 आ जाएगा, इस तरीके से तो निकालेंगे ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सीधा सीधा आप 18 से दो बार यहाँ पे से भी कट कर सकते थे, तो बट मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में ही बताता हूँ, कभी भी कोई मतलब कोई बच्चा ऐसा होता है कि ये चीज़ें नहीं समझता, और कोई होता है कि ये चीज़ें बड़ी जल्दी समझ जाता है। तो आपको क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई 36 और 18 से डिवाइड कर देना, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो 100 की मल्टीप्लाई 36 में करेंगे और ये 18 आपका नीचे आ जाएगा, तो 18 से 32 कटेगा आपका 2 टाइम, तो 100 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 200, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं यहाँ तक भी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका देखिए, ये मैंने कल भी आपको कराया था, ये भी आप सीख लीजिए साथ साथ में, ये क्वेश्चन नहीं आता, इससे नीचे वाले क्वेश्चन कुछ और भी हैं जो आए थे, पहले एक बार मैं ये बता देता हूँ आपको, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति अपने घर से 15 मीटर प्रति किलोमीटर की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा वापिस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है, कुल यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी रही। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने एक डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि अपने घर से, एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है, यानी कि कुछ दूरी मान लीजिए वो अपने घर से यहाँ से कहीं गया था, और फिर यहाँ पे गया तो वो था 15 किलोमीटर प्रति घंटा और आया वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी कि उसने एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से कवर किया है। ठीक है,
और जो ऊपर वाला क्वेश्चन कराया ना मैंने एवरेज चाल वाला, उसमें क्या था, वो पहले एक मतलब अलग डिस्टेंस कवर की उसने 4 सेकंड में, फिर नेक्स्ट उसने अलग डिस्टेंस कवर की 6 सेकंड में। तो आपका ये अलग अलग डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट अलग है, अगर सेम ही डिस्टेंस को अलग अलग चाल से कवर करता है तब आपको आपको ये करना है 2x into y upon x plus y। ठीक है, तो यहाँ पे दो जो चाल है वो xy हो जाएगी, तो 2 into 15 into 10 upon 15 plus 10, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 30, 30 की 10 में करेंगे तो 300 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 12 किलोमीटर पर आर आ जाएगा आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी दो स्पीड दे रखी होगी सेम डिस्टेंस को कवर करने में, तो आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले 2 में ऊपर और फिर नीचे दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन था, डिजिट चेंज है बस इसकी। ठीक है, और यहाँ पे आपको टाइम निकालना था, मैं इसमें दो एक चीज और बताऊंगा आपको निकालनी, यहाँ पे टाइम देख लेते हैं। सबसे पहले दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में विपरीत दिशा से समान रफ्तार से जा रही है। ठीक है, यानी कि एक इधर से जा रही है और एक इधर से जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। यहाँ पे चाल निकालनी है, ठीक है, और वहाँ पे आपको निकालना था समय क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, बट कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको चाल भी निकालनी सीख जाएंगे, टाइम भी निकालना सीख जाएंगे, बस एक ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला। ठीक है, नीचे का आप अगर ना भी करेंगे तो समझ, मतलब आप अपने एग्जाम में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको जान लीजिए, जब भी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती है इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, दोनों की लेंथ यानी कि L1 और L2 को प्लस करते हैं। ठीक है, और दोनों की चाल को भी प्लस करते हैं, ये मेन बात है इसमें, दोनों की चाल को प्लस करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों की दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाती तो दोनों की चाल को माइनस करते, यानी कि डिफरेंस लेते। ठीक है, बट क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्या दे रखा है, 12 सेकंड में पार करती, तो टाइम तो हमें मिल रखा है, दोनों की हमें वो भी पता है, 120 मीटर है, तो 120 मीटर ये भी प्लस कर लेंगे और यहाँ पे L2S आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चाल हो जाएगी, यही आपको निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2S बराबर कितना हो जाएगा, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 24S और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240, तो S की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी 240/24, तो 10 मीटर पर सेकंड। तो यही आपका देखिए, या तो आपको मीटर में दे रखा होगा तो ये मीटर आपको लगा देना है 10 मीटर पर सेकंड, अगर आपको किलोमीटर में दे रखा होगा तो इसको किलोमीटर में बदल लेंगे, 10 × 18/5, तो 36 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में था आपके, वो था यहाँ पे टाइम आपको निकालना था। ठीक है, तो टाइम कैसे निकालना है भाई, सीधे से दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे, बस इतना आपको करना था। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इस तरीके का भी पूछा गया था कि तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनके वर्ग का योग 725 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए हम मान लेते हैं कि तीन संख्या आपकी 2x 3x 4x है, क्योंकि रेशो तो इनका दे रखा है ना, तो हमें संख्या नहीं पता है बस रेशो पता है, तो रेशो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x 3x 4x। इनके वर्ग का यानी कि इनके स्क्वायर का सम कितना है आपका, 725 है, तो 4² + 9² + 16² आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इनका स्क्वायर क्या, हमने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16, इनका स्क्वायर का हम अगर सम करें तो ये कितना हो जाएगा, 725 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 29 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 725/29, तो आपका 25 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया, 25 आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 किसका स्क्वायर होता है आपका 5 का, तो एक्स की वैल्यू आपकी 5 आ गई है। पूछा क्या गया है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे 2x 3x 4x है, तो सबसे बड़ी संख्या तो आपकी सीधा अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 4x में, ठीक है, 5 की, तो आपका 20 हो जाएगी राइट आंसर। और यहाँ पे अगर कोई भी पूछ जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप उनको भी निकाल सकते थे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको एफिशिएंसी से रिलेटेड भी देखने को मिला है, तो इसको भी देख लेते हैं। किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है, ठीक है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम रेशो हम सबसे पहले निकालेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि किसी कार्य को समाप्त करने में ए जो है वो बी से 50% अधिक लेता है, तो टाइम रेशो क्या हो जाएगा, बी मान लीजिए 100% टाइम लेता है, ये ए जो है इससे 50% अधिक समय लेता है, तो इसका मतलब इसका समय कितना हो जाएगा, 150%। तो यहाँ से हम इनका रेशो बना लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट करेंगे 2 टाइम और 5 से कट करेंगे 3 टाइम, तो 3:2 का रेशो आ गया यहाँ पे इनका टाइम का रेशो। अब मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, टाइम और वर्किंग रेशो जो होता है अपोजिट होता है एक दूसरे के, तो टाइम का रेशो अगर 3:2 आया है तो वर्किंग रेशो कितना होगा, 2:3 हो जाएगा, क्योंकि भाई जो टाइम जो आदमी जितना
समय लेगा वो उसी हिसाब से तो वर्क करेगा, ज़्यादा समय ले रहा है तो इसका मतलब ये आपका वर्किंग रेशियो उसका कम है, ठीक है, ये थोड़ा काम करता है ज़्यादा समय लेता है, और ये आपका टाइम कम ले रहा है तो इसका मतलब ये समय ज़्यादा करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इनका वर्किंग रेशियो मिल गया। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेले से कितने दिन में करेगा। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क कैसे, भाई वर्किंग रेशियो हमें मिल गया, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते होंगे, 5 यूनिट वर्क करते होंगे, क्योंकि 2 ये करता है 3 ये करता है, तो 5 यूनिट वर्क करते होंगे, 18 दिन में इन्होंने वर्क कंप्लीट कर दिया, तो इन्होंने वो वर्क किया कितना, तो यहाँ पे 5 में अगर मल्टीप्लाई में 18 की कर दूँ तो यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा, तो 5 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो 90 यूनिट आपका वर्क निकल के आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, 90 यूनिट वर्क, तो मतलब इन्होंने किया था वो, ठीक है। अब क्या पूछा है, बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो बी आपका बी का रेशो कितना है, वर्किंग रेशो, बी का वर्किंग रेशो आपका 3 यूनिट है, तो यहाँ पे 90 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 30 डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ये 30 दिन में वर्क को कंप्लीट कर लेगा बी, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, यही क्वेश्चन थे, सॉरी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका, इसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक डिस्कस करेंगे किस किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, एक धन ज्ञात कीजिए, बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसको कैसे करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल धन आपको यानी कि मूलधन आपको निकालना है, तो एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, यानी कि 3 और 5 वर्ष के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2 वर्ष का, और 2 वर्ष का जो इंटरेस्ट है आपका कितना है 400, ये सीधा सीधा मतलब इनडायरेक्ट वे में आपका डिफरेंस दे दिया है, ठीक है। तो ये 2 वर्ष का आपका 400 है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालनी है, तो देखिए आपको सीधा सीधा यहाँ पे 2 वर्ष मिल गया, ईयर मिल गए, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, रेट आपको पता है 4% है, तो क्या निकालना है, फिर पी निकाल लेंगे ना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके, ठीक है, तो इजी है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अगर आप इसको समझ लेते तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। यहाँ पे ऐसा ही आपका 400 है, ठीक है, पी इंटू 4 इंटू 2 आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पी कर देना, पी इंटू आर इंटू टी, तो आर कितना है 4% है, टाइम कितना है 2 ईयर का है, और अपॉन में 100 करेंगे, तो यहाँ पे आप इसे कट कर सकते हैं 4 से 100 को 25 टाइम, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको करेंगे ऐसे तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 चौका 100, यानी कि आपका ये हो जाएगा कितना, 10,000 यहाँ पे हो जाएगा 2p, यानी कि आपका p आ जाएगा 5,000, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल था, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी देखने को मिलेंगे आपको उनको कर लेंगे। अभी आते हैं हम हर एक चैप्टर के मतलब टॉपिक से, ठीक है, तो टॉपिक की अगर बात की जाए टाइम एंड वर्क से, अगर ऑन एवरेज बात की जाए तीनों शिफ्ट की, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, थर्ड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट मतलब के बोलने की बात यह है कि किसी किसी शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन भी पूछ ले जा रहे हैं, और पाइपलाइन सिस्टम से कोई क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन था पाइपलाइन सिस्टम से, आप बोल देना कि हार्ड क्वेश्चन ही क्यों नहीं कराते, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने बताया कि बहुत हार्ड क्वेश्चन था, वो मेरे कुछ भी ध्यान नहीं है, फिर मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, वो उसने भी यही बोला कि क्वेश्चन बहुत हार्ड था, तो ये समझिए आप पाइपलाइन सिस्टम का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन का कुछ भी फॉर्मेट मुझे नहीं पता चला है 2-3 बच्चों को से बात करने के बाद भी, ठीक है। बोर्ड मास से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा भी पूछे जा रहे हैं, बहुत सिंपल भी पूछे जा रहे हैं, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, बोर्ड मास आप एक बार भी पढ़ लेंगे ना, बोर्ड मास सीधा सीधा क्या होता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप ऑफ वाली मल्टीप्लाई, फिर आप डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और फिर सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट, तो इस तरीके से अगर आप बोर्ड मास को करते हैं तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक एक स्टेप से चलिए ना, कभी गलत नहीं होगा। आज तीनों शिफ्ट में आपको SI से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, CI से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, जितनी भी मैंने बात की है, अगर आया होगा तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आज अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका अगर सेकंड शिफ्ट की बात की जाए तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। परसेंटेज की अगर बात की जाए तो आज परसेंटेज से भी ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिले हैं, क्योंकि तीनों शिफ्ट में बच्चों ने बताए हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं, थर्ड शिफ्ट में आपके शायद 2 क्वेश्चन थे। HCF LCM से आपका कोई क्वेश्चन नहीं था थर्ड शिफ्ट में, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकेंड शिफ्ट में भी कोई क्वेश्चन नहीं था HCF LCM का, केवल फर्स्ट शिफ्ट में आज एक क्वेश्चन था, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कीजिए टाइम स्पीड डिस्टेंस की, तो आज टाइम स्पीड डिस्टेंस से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगर बात की जाए, अभी थर्ड शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन थे,
सेकंड शिफ्ट में भी आपके क्वेश्चंस थे, अब ये ध्यान नहीं कितने थे, और फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पे था एक ट्रेन से क्वेश्चन था, मैंने आपको वो कराई दिया है किस तरीके का था, उसमें टाइम निकालना था। मेंसुरेशन से आपका एक क्वेश्चन सुबह मॉर्निंग में था, फिर दो एक एक ही क्वेश्चन शायद आपका सेकंड में था, और थर्ड में भी एक से दो क्वेश्चन था। स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो रखा है, और स्क्वायर रूट का ही आ रहा है, क्यूब रूट का नहीं आ रहा, तो इस चीज़ से भी आप टेंशन फ्री रहिएगा। एक आपका एज का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एक से दो क्वेश्चन आपके एज से भी पूछे जा रहे हैं। तो ये तो कुछ मैथ का आपका कॉन्सेप्ट था। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का आपका अगर बात कीजिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट का नहीं पता, थर्ड शिफ्ट में भी किसी बच्चे ने नहीं बताया, तो फर्स्ट शिफ्ट में तो देखने को मिला था। रीजनिंग की अगर बात की जाए, तो आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन से आपके क्वेश्चंस भर के आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में आपके, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे जा रहे हैं, इससे ज़्यादा ही पूछे जाए तो ठीक है, मतलब इससे कम तो नहीं पूछे जा रहे हैं, तो 6-7 क्वेश्चन मान के चलिए, और 12 क्वेश्चन तक यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन से पूछे जा रहे हैं। और मतलब आप इजीली कर सकते हैं यार, अगर मैं जिस तरीके से मैंने पढ़ा रखा है ना, बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत कमेंट कर रहे हैं कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी भी हो रही है। और आप अगर उन वीडियोज़ को अभी रिवाइज करके देखेंगे तो टाइम होगा आपके पास, तो आपका भी अच्छा मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इस लोग की अगर बात कीजिए, तो थर्ड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, सेकंड शिफ्ट में शायद कोई भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, सेकंड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे, सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में भी शायद कोई क्वेश्चन नहीं था, शायद एक क्वेश्चन हो या फिर कोई क्वेश्चन ना हो। क्लॉक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। सीरीज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तक भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे आपके आज थर्ड शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट का पता नहीं, थर्ड और फर्स्ट शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन था, ठीक है। कैलेंडर से भी आपका 1 क्वेश्चन था। तो ये आपका पूरा का पूरा एनालिसिस रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आशा करता हूँ कि आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो कर दीजिएगा, और जो भी आपका डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ बिल्कुल रियल है, बहुत सारी मेहनत मेरी लग रही है इनको कलेक्ट करने में और आपको प्रोवाइड कराने में, बस थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करते रहिए, थोड़ा सा आप कमेंट वमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, यही सब कुछ है, और इससे मैं मोटिवेट होता रहता हूँ, ठीक है। लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। और जल्दी हम लाइव टेस्ट सब कुछ स्टार्ट करने वाले दोबारा से, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि मैं अकेला ही सब कुछ मैनेज करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वीडियोस कम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ना, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने PDF अपलोड कर दी है फर्स्ट सेकंड शिफ्ट की, और थर्ड शिफ्ट की अभी कर दूंगा, तो इसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ऑलरेडी टेलीग्राम पे है तो आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।